हेलो दोस्तों, स्मिताज इंडियन किचन एंड व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक DIY फेस पैक जो कि बनता है हमारे घर के इंग्रेडिएंट से। ऐसा फेस पैक जिससे आपके चेहरे का कालापन, मैल, झुर्रियाँ, फाइन लाइंस सब दूर हो जाएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है चावल का आटा। चावल का आटा चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखरती है, चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चावल का आटा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन फॉलिक एसिड से भरपूर होता है। उसके बाद हम लेंगे एक चम्मच दही। दही नेचुरल मॉइस्चराइजर जैसा काम करता है हमारे स्किन पर और स्किन को हाइड्रेट रखता है। उसके बाद हम लेंगे 2 से 2.5 चम्मच रॉ मिल्क। कच्चा दूध अगर नहीं है तो आप घर का दूध यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में लेंगे हम 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच शहद। शहद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दाग धब्बे, किल मुहासे और झुर्रियों से मुकाबला करने में हमारी मदद करते हैं। तो देखिए, हम अभी 2 चम्मच मिल्क का डाल रहे हैं और ये जो सारे इंग्रेडिएंट है हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा फेस पैक बनके बिल्कुल रेडी है। और इसे अप्लाई करने से पहले हमें हमारा जो फेस है वो अच्छे से वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद अभी हम ये फेस पैक अच्छे से चेहरे पे अप्लाई करेंगे। मोटा मोटा ही हमें इसे लगा लेना है, मतलब थिक लेयर हमें इसकी अप्लाई करनी है। चेहरे को तो हम लगाएंगे लेकिन गर्दन में भी हमें इसे अप्लाई करना है। और गर्दन का जो बैक साइड है वो बहुत बार काला पड़ जाता है, तो इससे ये फेस पैक अप्लाई करने से गर्दन का कालापन भी निकल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं और उसके बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए तो उसका रेगुलर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने ये जो सारी चीज़ें यूज़ की है वो बिल्कुल ज़ीरो पैसा, बिल्कुल आपको बाहर से कोई भी चीज़ लानी नहीं है। सारे घर के इंग्रेडिएंट किचन में जो अवेलेबल होते हैं वही हमने लिए हैं और इससे बहुत ही बढ़िया हमें रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। कम से कम 7 दिन तक ये फेस पैक को आप लगाएं और रिज़ल्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए, हमने सारा जो फेस पैक है अच्छे से अप्लाई कर लिया है और 20 मिनट तक हम इसे ऐसे रखेंगे। 20 से 25 मिनट तक हम इसे रख सकते हैं और उसके बाद आप चेहरा ठंडे पानी से या गुनगुने पानी से वॉश कर सकते हैं। तो देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं और फेस पैक मेरा बिल्कुल भी सूखा नहीं है क्योंकि मोटी मोटी परत थी, उसकी चिंता ना करें। बस 20 से 25 मिनट के बाद अभी आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो देखिए, मैं दिखा रही हूँ, गर्दन भी मेरी नहीं सूखी है, फेस पैक नहीं सूखा है, फिर भी हमें ये धो लेना है। तो देखिए, धोने के बाद चेहरा बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, निखरा निखरा सा लग रहा था। एक ही अप्लाई के बाद इतना सुंदर लग रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि 7 दिनों बाद ये कितना सुंदर लगेगा। फिर अगर आपको मेरा ये DIY फेस पैक अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे शेयर करें।